नमस्कार, हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पत्रकार और वर्तमान में हिंदी विभाग के कांग्रेस के सचिव पंकज शर्मा जी। बिहार जैसे राज्य में आपको पुछल्ली पार्टी बनना पड़ा विजयी गठबंधन के साथ, क्योंकि जहां तक सांप्रदायिकता की और इसकी बात करें और जातिवाद की बात करें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सभी राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं इस तरह से वोट बैंकों को भुनाने की कोशिश की है। अगर भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण का आरोप है, तो कांग्रेस पर भी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहा है। राजीव गांधी के समय में ही सबसे पहले उस राम मंदिर के ताले खोलने की कोशिश हुई थी, जो आज तक भी विवाद का इतना बड़ा और वोटों के ध्रुवीकरण का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर 400 सीटें थी तो जनता ने उसमें भी विश्वास व्यक्त किया था, 44 पे आई है तो विश्वास की कमी है, और उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, अब आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, एक रणनीतिकार भी आपके साथ जुड़े हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस अपने संगठन में जमीनी, क्योंकि जो कुछ भी एक पत्रकार के नाते मैं देख सकता हूं, चिल्ला चोट हो रही है, विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, वो संसद भवन में, उसके इर्द गिर्द समाचार पत्रों में, ट्विटर फेसबुक पर हो रही है। कांग्रेस के संगठन के ढांचे को हम देखें तो उसमें जो आमूलचूल, आपका जो छात्र संगठन है NSUI, वो ABBP के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा, जिस तरीके से संघ का या दूसरे अन्य अनुषंगी संगठनों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा, सेवा दल बिल्कुल मृतप्राय है, युवक कांग्रेस में जो ऊर्जा हम एक समय में देखते थे, युवक कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी फिगर होता था, और उसकी हैसियत भी किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं होती थी, चाहे पक्ष में आप हो या विपक्ष में हो। हमने जिस जमाने की छात्र राजनीति और कांग्रेस की राजनीति देखी, उसमें NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लोगों को आज आप किसी से पूछने चले जाइए तो वो बता नहीं पाएंगे। तो ये अनुषंगी संगठनों में जो निष्क्रियता है, जिले स्तर पर, शहर के स्तर पर चार चार पांच पांच चुनाव हार जाने के बावजूद संगठन के जो प्रमुख हैं वो उस पद पर बने हुए हैं। क्रिकेट का हम एक मैच हार जाते हैं तो मांग उठती है कि आप धोनी को बदल दो, कोहली को बना दो, वो तत्परता कांग्रेस के भीतर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। मैं दरअसल आपको, चूंकि आप संगठन में बहुत गहरे जुड़े हैं, जहां पर संगठन को लेकर रणनीतिक फैसले होते हैं उसके करीब हैं, जो बात एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस के समझ में आती है कि यार ऐसे नहीं चल पाएगा, वो बात ऊपर क्यों नहीं समझ में आती? नहीं, मेरे ख्याल से ऊपर समझ में आती है, और आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि संगठन में बहुत सी कमजोरियाँ आईं, जो सहयोगी संगठन हैं पार्टी के उनको भी बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, और इस दिशा में काम चल भी रहा है। अब बीच में आंतरिक लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम पार्टी ने उठाए थे, उनके जो भी नतीजे सामने आए हैं, अब संगठन को, पूरे पार्टी के संगठन को, सहयोगी संगठनों को कैसे मजबूत बनाया जाए, उस पर कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस उपाध्यक्ष पूरी तरह से सोच विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राहुल जी की यात्रा समाप्त होने के बाद, जो इस साल के आखिरी नवंबर दिसंबर के महीने हैं, तो उनमें इस दिशा में काफी ये फेरबदल देखने को मिलेंगे। मुझे पंकज जी एक बड़ी बात हमें बता रहे हैं कि संगठन स्तर का जो एक बहुप्रतीक्षित फेरबदल है कांग्रेस के भीतर का, वो शायद इस 2016 के आखिर में हमें देखने को मिले, और उसके बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा, नई चेतना देखने को मिले, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग बहुत समय से इंतजार भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि कुछ होने वाला है, वो क्या होने वाला है वो कांग्रेस बेहतर जाने, लेकिन अगर ऐसा होने वाला है तो सभी को उसका इंतजार भी रहेगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों की बहुत चर्चा, आपने भी कहा कि अभी राहुल गांधी वहां व्यस्त हैं, इस वजह से ये संगठनिक फेरबदल फिलहाल स्थगित है, उत्तर प्रदेश में आप उन प्रशांत किशोर को लाए हैं जो 2014 के आम चुनाव जिताने के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं मोदी जी के चुनाव में, फिर बिहार में जाकर नीतीश कुमार के साथ वो खड़े होते हैं और वहां के भी वो रणनीतिकार माने जाते हैं, ये सवाल उठता रहा है कि ये लक बाई चांस है या सचमुच की मेहनत है, क्योंकि 2014 में हम सारी परिस्थितियों को देखे तो ऐसा लगता था कि जिस तरह का किरदार मोदी जी निभा रहे हैं, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की UPA गवर्नमेंट को लेकर, उन सारे हालातों में शायद मोदी जी जीत जाएंगे, और प्रशांत किशोर उनके साथ जाके खड़े हो गए, कुछ नारे गड़े, कुछ तस्वीरें बनाई, कुछ बैनर बनाए, और वो विजयी रणनीतिकार के रूप में सामने आए। ऐसे ही बिहार में शायद लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ में आने के बाद जो सारे समीकरण बन रहे थे वो तो यही बन रहे थे कि अभी इस गठबंधन को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन चूंकि पार्श्वभूमि में, क्या उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा लगता है कि जो 28 सीटों वाली वो 3 के आंकड़े, मतलब 100 सीटों तक भी पहुंच पाएगी कांग्रेस? 100 सीटें पार करेगी, करेगी 100 सीटें पार करेगी। ये भी एक बड़ी बात कह रहे हैं पंकज जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी सफलता ये होगी कि वो अगर 3 का आंकड़ा भी पार कर जाएं।
थ्री डिजिट 100 सीटें पार करेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 महीने में कांग्रेस के लिए और राहुल जी के लिए परसेप्शन में जो परिवर्तन आया है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, न सिर्फ कांग्रेस जन के भीतर बल्कि बाकी लोगों के भीतर, वो अद्भुत है। किसी भी 3 महीने की अवधि में धारणा में इतना बड़ा बदलाव मैंने इसके पहले नहीं देखा था। इसका पैमाना है कोई, आपके से स्टडी है जो आप कह रहे हैं परसेप्शन? इसकी स्टडी ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस को कोई गिनती में मानकर ही नहीं चल रहा था, वहां आज पूरे प्रदेश में और बाकी देश में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस की बात होने लगी, इतनी मजबूती से बात होने लगी। और आज ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और किसी एक राजनीतिक दल के बीच फैसला होना है। अब तक तो कांग्रेस को लोग 4th और 5th नंबर पर मान के चलते थे, तो ये एक परसेप्शन में जो चेंज है। और जगह जगह जो राहुल जी के दौरे में जगह जगह जो भीड़ इकट्ठी हुई है, अपने आप जो भीड़ इकट्ठी हुई है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ जमीन पर पूरी सच्चाई तेजी से बदल रही है। तो आपको लगता है खाट पर चर्चा को लेके भले लोग खाट घर ले गए हो, लेकिन वोट झोली में आ जाएगा, खाट के बदले वोट मिल जाएगा? क्या लोग बेचारे ले गए तो गरीब आदमी, उसकी जरूरत है। और खाट तो ऐसी चीज है जो गांव का आदमी सबसे पहले सोचता, तो वो ले गए, उसका थोड़ा मजाक भी उड़ा मीडिया में। लेकिन आपको लगता है कि इस खाट के बदले वोट झोली में आके गिरेगा? नहीं, वोट तेजी से बदला है। और इसका मतलब सभी लोग क्योंकि आपका अध्ययन है, आपकी स्टडी, लेकिन एक परसेप्शन जो ये रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल या ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय दलों को लगातार नकारते आए हैं, खासतौर पर विधानसभा और स्थानीय चुनावों में। लोकसभा के चुनावों में जरूर वो लोग, जैसे बिहार ने इतनी सारी सीटें भाजपा की झोली में डाली, लेकिन वहां पर जब वो चुनाव लड़ने गए विधानसभा का, तो उनकी क्या हालत हुई? स्थानीय चुनावों में क्या हालत हुई? ऐसी उत्तर प्रदेश में या तो सपा आएगी या बसपा आएगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक तरह से वहां के स्थानीय लोग स्थानीय चुनावों में नकार से चुके हैं। वैसे में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अब मुख्य दल के रूप में उभर रहा है, तो कैसे ये लोगों की सोच और समीकरण बदल पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जातिवाद पर आधारित राजनीति जिस तरह पिछले 2-3 दशक में होती रही, अब यूपी में इस बार उसमें पूरी तरह बदलाव आएगा। इसलिए मायावती समाजवादी पार्टी तो कहीं दूर दूर तक इस वक्त दौड़ में ही नहीं, तो अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। हाँ। और मायावती कितनी आगे है कितनी आगे नहीं, ये पता चल जाएगा। आपने कहा राष्ट्रीय दलों की बात, तो कांग्रेस, जैसे मैंने कहा ना, क्षेत्रवाद की राजनीति अगर नहीं करनी है, जातिवाद की राजनीति नहीं करनी है, तो और सबको साथ लेकर चलना है, तो वो एक मुश्किल काम तो है। बीजेपी के पास फिर भी एक सुविधा है पोलराइजेशन की राजनीति करने की, कांग्रेस तो उस राजनीति में भी यकीन नहीं रखती है। तो अब ये एक मुश्किल रास्ता तो है, लेकिन जितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, आज 28 सीटें जो कांग्रेस की हैं, अगर उनमें 3-4 गुना उछाल आए, तो ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। और ये नेतृत्व पर जो लोगों का विश्वास बन रहा है, और अंततः लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस ही वो राजनीतिक दल है जो विकास की राजनीति कर सकता है और प्रदेशों को और देश को आगे ले जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह पूरी तरह दिल्ली में उनकी लोकप्रियता तेजी से नीचे जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बहुत तेजी से नीचे गई है 2014 की तुलना में। मान लें तब तो ग्राफ में जितनी गिरावट आई है वो तो बहुत ही विजिबल है। तो और कांग्रेस जो मेहनत कर रही है और अपनी कमियों को आगे आने वाले महीनों में जिस तरह थोड़ा और दूर करेगी, तो मुझे जिसमें संगठन का परिवर्तन एक बड़ी चीज है, संगठन का परिवर्तन मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। पंकज जी ये बात किस आधार पर कह रहे हैं, ये आने वाले समय में हमें जरूर पता लगेगा। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद।